न्यू ऑक्सफर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक क्लास फिफ्थ परसुस एंड द गर्गौन कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इन हिंदी गौरगोन यानि चुड़ैल परसुस एक लड़का है जिस जिसकी स्टोरी कम्प्लीट हिंदी में मैं एक्सप्लेन करूँगी इन द नॉर्दर्न स्काइज इफ यू लुक अप ऑन अ क्लियर नाइट यू कैन सी कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स कॉल्ड परसुस अगर हम नॉर्दन नॉर्थ एरिया में ध्यान से क्लियर नाइट में जब बादल ना हो <coughs> तब देखेंगे तो हमको देखेगी कॉन्स्टलेशन कॉन्स्टलेशन यानी ग्रुप ऑफ स्टार्स जब ढेर सारे स्टार्स एक साथ एक पिक्चर बनाते हैं दैट इज कॉल्ड द कॉन्स्टुलेशन उसको उसका नाम है परसुस द कॉन्स्टलेशन इज नेम्ड after a Greek hero who was half man and half god. <coughs> ये जो constellation है Perseus, इसका नाम एक बहुत Greek hero, एक बहुत अच्छे Greek इंसान के नाम पर रखा गया था जो कि half man and half god है Half man और half god कैसे था His father was the god Zeus. उसके जो पिताजी थे वो थे god Zeus. गॉड जूस कौन से भगवान थे जो ग्रीक में एक लॉर्ड ऑफ स्काई या रेन गॉड बरसात के जो देवता जिसको बोलेंगे वो गॉड जूस को बोलते हैं और जो उसकी मदर थी शी वॉज अ ब्यूटिफुलूमन डानी उसकी जो मदर थी उसका नाम था वो काफ बहुत सुंदर थी जिसका नाम था डानी वैन ही वॉज अ बेबी जब परसू छोटा सा बच्चा था Perseus and his mother were sent away to an island called Seriphos. Perseus और उसकी mother को एक island पर भेज दिया गया जिसका नाम था Seriphos. Now, a kind man called Dictys, एक बहुत ही अच्छे इंसान जिसका नाम था Dictys, took them in and looked after them. उसने इन दोनों का बहुत ख्याल रखा उन्हें इन दोनों को अपने पास रखा और उनका पूरा ख्याल भी रखा डिक्टीज ब्रदर पोलीडक्टिस डिक्टीज के भाई थे जिसका नाम था पोलीडेक्टिस वॉज द किंग ऑफ द आयरलैंड वो उस आयलैंड के राजा थे पोलीडेक्टिस वॉज अ एंड इविल टैरेंट जो पोलीडेक्टिस थे वो बहुत क्रूयल थे उनके मन में किसी के लिए कोई दया भावना नहीं थी और वो बहुत खराब टायरेंट मतलब तानाशाह जो सिर्फ अपनी चलाते हैं दूसरे किसी की कुछ भी सुनते नहीं हैं पॉलीडिक्टिस ऐसा था परस ग्रू अप इन टू अ स्ट्रॉन्ग यंग मैन वो छोटा था वहाँ से बड़ा हुआ और एक बहुत स्ट्रॉन्ग यंग मैन बना ही वर्कड हार्ड ऑन द लैंड एंड वॉज वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ इस मदर वो बहुत काम किया करता था और वो अपनी मदर का बहुत ध्यान रखा करता था उनका बहुत प्रोटेक्शन किया करता था कि उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए वन डे द मीन किंग सॉ दर्सुस मदर एंड डिसाइडेड दैट ही वॉन्टेड टू मैरी हर एक दिन की बात है जो राजा था पॉलीडेक्ट्रेस उसने जब परसुस की मदर को देखा क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल थी उसको देखते ही उसने डिसाइड किया कि वो उनके साथ शादी कर लेगा he kept trying to meet Daniel, but बट did not like or trust the king, so he used his cunning to keep the king away in order to protect his mother. वो जो राजा था वो किसी न किसी तरीके से try करता रहता था कि वो Daniel से मिले लेकिन जो परस था उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी वो राजा पे बिल्कुल विश्वास भी नहीं करता था एंड इसकी वजह से वो कनिंग मतलब अलग अलग स्किल्स यूज़ करता था जैसे कि उस राजा को अपनी मदर से दूर रख सके और अपनी मदर को उस राजा से प्रोटेक्ट कर सके उसको बचा सके द किंग बिकेम एंग्री बिकॉज ही वॉज़ यूज टू गेटिंग वॉट एवर ही वॉन्टेड राजा को इस बात पे बहुत गुस्सा आता था क्योंकि उसकी एक आदत थी उसे जो चाहिए थे वो कैसे न कैसे वो पाके ही रहता था

कि किसी न किसी तरह तरीके से परस्यूस को दूर भेज देगा इन डिसग्रेस उसकी इंसल्ट करके सो दैट ही वुड नेवर रिटर्न टू सेरिफोज जैसे कि वो उस आइलैंड पे कभी वापस लौट के ही ना आए परस्यूस न्यू दैट ही हैड एंगर्ड गड सो ही वॉज सरप्राइज टू गेट एन इन्विटेशन टू ए पर परस इस बात को अच्छे से जानता था कि वो राजा को अपनी मदर से दूर रख के राजा को बहुत गुस्सा दिला रहा है और वो बहुत तब लेकिन परसूस बहुत सरप्राइज हैरान रह गया जब उसको एक इनविटेशन मिला राजा की तरफ से उनके दरबार में आने का द इनविटेशन मेड इट क्लियर दैट द किंग एक्सपेक्टेड एवरी वन टू ब्रिंग हिम अ हॉर्स एज अ प्रजेंट इन्विटेशन में राजा ने बहुत अच्छे से मैंशन कर दिया था कि वो चाहता था कि एक प्रजेंट यानी गिफ्ट वो राजा के लिए लेके जाए और वो था एक घोड़ा एक हॉर्स परसुस डिड नॉट हैव हॉर्स He did not afford to buy any buy one, but since his horse was not there, nor did he have enough money to tha hi nahin, nahin uske paas paise the ko purchase the horse, what shall I do? He wondered. Wo tha, wo tha ki wo kya he was surprised and worried about what to do. It would be disgre, disrespectful to refuse the invitation, so he would have to go to the banquet without a gift. And he knew this well. कि ये डिस उसका रिस्पेक्ट नहीं करना है उसकी तक राजा को रिस्पेक्ट न करना जो है वो एक गुनाह के बराबर है इसलिए वो जो अच्छे से जानता था कि उस इनविटेशन को वो रिफ़्यूज़ या मना नहीं कर सकता इसका मतलब उसको बैंकवेट तो जाना ही पड़ेगा और वो भी विदाउट अ गिफ्ट ही होप दैट द किंग वुड बी अंडरस्टैंडिंग उसने सोचा कि राजा उसकी इस बात को समझ लेंगे कि वो उसके लिए पॉसिबल नहीं था वैसा गिफ्ट लेके आना वैन परस अराइव्ड एट द बैंक जब परसूस उस बैंकुट में उस दरबार में पहुंचा ही रियलाइज दैट द किंग वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिम ऑफ वहाँ जाके उसको महसूस हो गया कि किंग कि उसकी इस बात को जाने नहीं देंगे कि उसने उनके लिए गिफ्ट घोड़ा जो है गिफ्ट प्रेजेंट के लिए नहीं लाया है एवरी वन वॉज लाइनड अप हर एक लाइन में लगा हुआ था एंड वन बाय वन देव गिफ्ट टू द किंग और एक एक करके वो राजा को अलग अलग गिफ्ट्स दे रहे थे वैन इट केम टू परस्यूज टर्न द किंग स्पोक लाउडली हा परस्युस वेयर हैव यू हिडन द हॉर्स यू हैव गॉट फॉर मी जब परस्यूस का उस लाइन में खड़े रह के परस्यूस का टर्न आया तो राजा ने बहुत जोर से बोला हाँ परस्युस बताओ तुमने घोड़े को कहाँ पर छुपा रखा है जो कि तुमने मेरे लिए गिफ्ट लाया है द अदर गेस्ट लव्ड अलॉन्ग विद द किंग दूसरे जो गेस्ट हैं वो भी राजा के साथ जोर जोर से हंसने लगे वन सेड ओ परस्यूज़ डोंट यू नो आर कस्टम्स एक गेस्ट ने उस परस्यूज़ को बोला कि क्या परसूस तुम नहीं जानते हमारे यहाँ का रिवाज कैसा है राजा के पास आने पे कोई ना कोई गिफ्ट लाना पड़ता है परस्यूज़ फेल्ट एम्ब्रेस्ड परस्यूज़ बहुत शर्मिंदा हो गया उसको बहुत तकलीफ हो रही थी एवरी वन इन द ग्रेट हॉल वॉज लुकिंग एट हिम विदाउट thinking about the consequences he made a rash promise king polydectes i have no gift for you today but i promise that i will bring you another gift har ek uski taraf dekh raha tha aur perseus kafi sharminda tha तो उसको कुछ समझ में नहीं आया इतने बड़े हॉल में जब सब उसकी तरफ देख रहे थे तो उसने बिना कुछ सोचे समझे Perseus ने बिना कुछ consequences परिणाम के बारे में सोचे सोचे हुए अरे बिना किसी परिणाम के बारे में सोच के उसने गलत प्रॉमिस रैश प्रॉमिस कर दिया राजा से उसने राजा को बोला किंग पॉलीडेक्टिस मेरे पास आज आपके लिए कोई गिफ्ट नहीं है पर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको एक दूसरा गिफ्ट जरूर दूंगा वॉट एवर यू लाइक जो भी आपको पसंद हो जस्ट नेम इट एंड आई विल ब्रिंग इट बस उसका नाम लो मैं आपके लिए लेके आऊँगा द किंग लुकड डिलइटेड किंग इस बात से बहुत खुश हो गया उसे वही जो चाहता था वही मिल गया ही न्यू ही कुड यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू गेट रेड ऑफ परस्यूज उसको लगा कि यही एक ऐसा चांस है मेरे पास कि मैं इस परस्यूज से मुक्ति पा सकता हूँ ही सैड दैट इज काइंड परस्यूज आई नो एग्जैक्टली वॉट आई वॉन्ट इस पर राजा ने कहा यह तो बहुत अच्छी बात है परसूस मैं जानता हूँ एग्जैक्टली exactly मुझे क्या चाहिए ही स्माइल मैन उसने स्माइल किया डरावने ढंग से ब्रिंग मी दैड ऑफ़ मैड्यूसा मेरे लिए मैड्यूसा का सर लेके आओ एवरी वन गैप्स हर एक हैरान रह गया हर एक हाफने लगा इसका नाम सुन के परसूज नॉडेड एंड बोड परसुस ने अपना सर हिलाया और सर झुका दिया इट शैल बी डन ये हो जाएगा ही सेट कॉन्फिडेंटली और उसने पूरे विश्वास के साथ कहा देन ही वेन टू दीट एट द बैंक टेबल तब वो जाके बैंकवेट टेबल की अपने सीट पर बैठ गया ही ट्राइड हार्ड टू कीप हि फेस फ्रॉम शोइंग हाउ हॉर वर ही फेल्ड उसने पूरी कोशिश की कि वो अपने फेस पर कोई भी अपने चेहरे पे चिंता के निशान न दिखाए द होल किंगडम लिव्ड इन अ फियर ऑफ मैड्यूसा एंड हर सिस्टम पूरा का पूरे राज में हर कोई मैड्यूसा से डरता था और उसकी बहनों से भी देवर गॉर्गॉन्स मॉन्सटर्स टेरिफाइंग क्रिएचर्स हु लिव्ड इन अ केव एंड प्रेड ऑन एनिवन हु केम नियर देम वो थी राक्षस थी मॉन्स्टर्स जैसी थी एकदम डरावने क्रिएचर्स थे जो कि गुफा में रहते थे और हर एक का शिकार कर देते थे जो कि उस गुफा के सामने आता था इंस्टेड ऑफ हेयर दे हैड स्नेक्स ग्रोइंग आउट ऑफ देयर हेड उनके सर पे बाल नहीं थे उनके सर पे सांप उगते थे अनलाइक हर सिस्टर मैड्यूस वॉज मॉर्टल एंड कुड इन थ्योरी बी किल्ड और अपने उस मेड्यूसा जो थी उन सब में से सबसे खतरनाक थी वो मॉर्टल थी उसको कोई नहीं मार सकता था एक थ्योरी में ही उसे मारा जा सकता था असल में तो उसके लिए मारना काफ़ी डिफिकल्ट था इन रियलिटी नो वन हैड एवर कम क्लोज टू बींग एबल टू डिफीट हर सच्चाई में तो आज तक के कोई उसके पास तक के नहीं जा पाया था जो कि उसे हरा सके एनी वन हु लुक्ड डायरेक्टली एट मेड्यूसा फेस वॉज इंस्टेंटली टर्न टू स्टोन जो भी डायरेक्टली मेड्यूसा के चेहरे को देखता वो उसी वक्त पत्थर का बन जाता ही वुड अ यंग मैन हाउ वुड अ यंग मैन बी एबल टू डिफीट हर कैसे एक यंग आदमी मेडुसा को मार पाएगा द नेक्स्ट डे बिफोर ही सेट ऑफ पर्सूस स्पोक टू हज मदर डोंट गो शी बैकड हिम अगले दिन ने सब कुछ अप सारी बात अपनी मदर को बताई और वो जाने के लिए तैयार हुआ इस पे उसकी मदर उसे मिन्नतें करने लगी बैग टेम यानी उसको बहुत समझाने लगी मिन्नतें करने लगी नहीं जाओ आई मस्ट गो सेड परस्यूस मुझे जाना पड़ेगा मैं जाऊँगा इट इज द ओनली वे टू बी फ्री फ्रॉम पोलीडेक्टिस यही एक तरीका है कि हम पोलीडेक्टिस से मुक्ति पा सकते हैं डरे विस्ट परसुस लक एंड वॉचड हिम लीव उसकी जो मदर है उसने परस को बेस्ट ऑफ लग दिया उसको <coughs> और वो उसको जाते हुए देखने लगी शी प्रे टू द गॉड्स टू कीप हिम सेफ फ्रॉम हार्म और उसने भगवानों को प्रार्थना की सभी को कि प्लीज़ मेरे बेटे की मदद करना और उसे कुछ ना होए उसको कोई तकली कोई नुकसान ना पहुंचा सके हाई अप इन द स्काई द गॉड्स फॉर वॉचिंग ऊपर आसमान में भी भगवान उसे देख रहे थे दे वॉन्टेड टू हेल्प परस्यूस एंड अपियर इन फ्रंट ऑफ हिम वो भी परसुर्स की इस बात में मदद करना चाहते थे और वो उसके सामने आ गए जूस जो उसके पिता हैं गेव हिम अ स्पेशल स्वॉर्ड एंड हेलमेट दैट वुड मेक हिम इनविजिबल जो ज्यूस है वो ग्रीक मैथोलॉजी में लॉर्ड ऑफ स्काई या रेन के भगवान हैं उन्होंने और वही परसूस के पिता भी उन्होंने उसको एक स्पेशल स्वॉर्ड एक स्पेशल तलवार दी और एक हेलमेट दिया जिसको पहनने से वो इनविजिबल होगा किसी को दिखाई नहीं देगा इसके बाद आए हारमिस हारमिस जो हैं वो ग्रीक गॉड ऑफ ट्रेड वेल्थ एंड लक लक के भगवान है वो ग्रीक मैथोलॉजी में उसने परसूस को अ पेयर ऑफ विंग्ड सैंडल दिए एक ऐसे सैंडल दिए जिनको पहन के वो उड़ सकता था सो देट ही कुड फ्लाई जैसे कि वो उड़ सके एथीना एथीना जो है वो ग्रीक मैथोलॉजी मैथोलॉजी में गॉडेज ऑफ गॉड सभी देवताओं की देवता है वो और वही गॉडेज ऑफ गुड वो बहुत अच्छाई की देवता थी और वो सभी भगवानों में अच्छाई को पसंद करती थी उसने दिया पॉलिश शील्ड एक शील्ड दिया जिससे उन उसके ऊपर कोई नुकसान न पहुँचे परसुस वॉज ग्रेटफुल परसुस बहुत भगवानों को शुक्रिया अदा किया थैंक यू बोला ही सैड आई विल डू माई बेस्ट टू वर्थी ऑफ योर गिफ्ट मैं जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा करूँगा और आपके गिफ्ट्स के, के साथ मैं अपनी पूरी मेहनत भी करूँगा यूज़ योर ब्रेन एज़ वेल एज़ यूर स्ट्रेंथ परस्यूस व एथीना जो गॉड ऑफ गुड है जो अच्छाई की भगवान है उसने परस्यूस को बोला अपना दिमाग भी यूज़ करना सिर्फ अपनी ताकत ही नहीं ताकत के साथ साथ दिमाग भी यूज़ करना ज़रूरी है यू विल नीड अ स्पेशल बैग टू कैरी द मेड्यूस हेड तुमको मैड्यूसा का सर उठाने के लिए सर को यहाँ पर लाने के लिए एक स्पेशल बैग की ज़रूरत है वेयर विल दिस बैग आस परस्यूस अर्सुस ने पूछा मुझे वो बैग कहाँ से मिलेगा इस पर एथीना ने जवाब दिया गो टू द नॉर्दर्न शोर सेड एथीना एथीना ने कहा नॉर्दर्न किनारे पे जाओ नॉर्दर्न शोर पे जाओ दे आर यू विल फाइंड द एशियन ग्रे विचिस वहाँ पे तुमको एक बहुत बूढ़ी सी ग्रे विचिस मिलेगी मेक दम टेल यू हाउ टू फाइंड द निम्स हु लुक आफ्टर द गार्डन ऑफ गॉडिस हैरा बी कनिंग एज वेल एज ब्रेव और उन वही तो उनको ही तुम बोलो कि तुम मुझे निम्फ के पास ले कर चलो मैं निम्पस को कैसे ले कहाँ कैसे मिले कैसे मुझे मिलेंगे निम्फ्स यानी परसोनिफिकेशन ऑफ नेचर जो भगवान है नेचर का उसके लिए निम्फ वर्ड बोला जाता है गॉडीज ऑफ नेचर और जो हीरा है वो भी एक गॉडीज है <coughs> उनके पास लेके जाने के लिए बोलना उनसे उनके बारे में पूछना बी कनिंग एज वेल एज ब्रेव कनिंग भी रहना और हिम्मत भी रखना कनिंग का मतलब होता है अलग अलग ट्रिक्स और स्किल्स को यूज करना अब खुद को जो पाना है उसको पाने के लिए और ब्रेव भी रहना ब्रेव हिम्मत दिखाना पर्स मेड हिज वे टू द नॉर्दर्न शोर पर्स नॉर्दर्न शोर की तरफ चल पड़ा वेन ही केम नियर टू द केव ऑफ द एंशन विच जब वो एंशियन विचेस केव के सामने पहुंचा ही क्राउस्ड बिहाइंड सम लार्ज रॉक्स उसने खुद को सुकुड़ कर छिपा दिया बड़ी बड़ी रॉक्स के पीछे नेवर हैड ही सीन सच अ हीडियस साइट आज तक उसने इतना डर्टी दृश्य कभी नहीं देखा था दिच इज वी एंड टैटर्ड ग्रे ड्रॉप्स जो विचेस है उसने बहुत ही गंदे फिल्दी यानी बहुत मैले गंदे टैटर्ड फटे हुए कपड़े पहने हुए थे लुक्स थे उनके विच लुक्ड सो मच लाइक देयर रिंकल्ड ग्रे स्किन वो इतने बहुत ही गंदे दिख रहे थे और उनकी स्किन भी एकदम रिंकल्ड थी इसलिए उनका चेहरा भी इस तरीके से बना हुआ था कि उनके फीचर्स तक के कैसे हैं उनका फेस कैसा है ये देखना काफ़ी डिफ़िकल्ट था इट वॉज हॉड टू मेक आउट

उसने नोटिस किया ये जो तीनों विचेज हैं तीनों चुड़ैल जो हैं उनके पास एक ही आँख है अगर किसी को कहीं देखना है तो एक बॉल आई बॉल एक से दूसरे को दे रही हैं वो अपने चेहरे पे आई बॉल लगाती हैं और देखती हैं यानी तीनों को मिला कर सिर्फ एक आई बॉल था जिससे उनको दिखाई देता था और वो आई बॉल एक दूसरे को अपने हाथ के जैसे स्ट्रक्चर हाथ तो नहीं बोल सकते हैं क्लॉ के जैसे जैसे पक्षियों में क्लॉ होता है वैसे रिंकल्ड हैंड से एक दूसरे को पास करती हैं परस्यू स्क्रैप्ड क्लोजर परस्यूस भी उनके पास गया आई हियर सम वन कमिंग सेट वन ऑफ द विच एक विच ने बोला कि मैंने सुना है शायद कोई आ रहा है दीज आर द्री विचेस इन तीनों को अपनी आंखें नहीं है और ये एक आई बॉल है जो अपने ऐसे क्लॉ लाइक हैंड से एक दूसरे को पास करती हैं जिसको भी देखना रहता है